आप सभी लोग दक्षिण चीन सागर के बारे में सुनते रहते होंगे। ये हमेशा विवाद में बना रहता है। आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है, उसे भी आपका चाइना नहीं मानता है। समझ रहे हैं आप लोग? जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाएं निर्धारित की हैं, उन्हें भी नकार देता है। वो तो एक नाइन लाइन डैश रेखा खींच के बैठा हुआ है और पूरा का पूरा अपने दक्षिण चीन सागर को अपने हिस्से में बताता है। समझ रहे हैं आप लोग? और एक बात और है, वैसे ही जल क्षेत्र को छोड़िए, आज चाइना की ये हालत हो चुकी है कि उसकी सीमा जितने भी देशों से लगती है, हर देश से उसका सीमा विवाद चल रहा है। एक समय अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति हुआ करती थी, वही आजकल चाइना की भी हो चुकी है। हमारे देश से भी देखिए आप लोग, अरुणाचल प्रदेश। अब आप लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो ये देखिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, सिक्किम का मामला देख लीजिए, या फिर आप लोग लद्दाख का मामला देख लीजिए। हर जगह आपने देखा है कि सीमा विवाद हमारा अभी चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी करंट में हम बात किसकी कर रहे हैं, यह दक्षिण चीन सागर, इसी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरह से आप समझिए कि ये जैसे भारत ये है हमारा, और पड़ोसियों की बात करें तो नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये बांग्लादेश है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और याद रखिए, चाइना को 1949 में आज़ादी मिली थी और हमें दो साल पहले यानी कि 1947 में आज़ादी मिल चुकी थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरा कहना ये है कि आप समझिए कि भारत का जो आंतरिक हिस्सा है, इस पर तो पूरा कब्जा भारत का है ही, लेकिन जलीय क्षेत्र भी भारत का होता है। कितना होता है आखिर? इसमें आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाई गई हैं। पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर उस एक तरह से हम दक्षिण चीन सागर पर भी विस्तार से बात कर लेंगे। इसका भौगोलिक क्या है, स्थिति क्या है, इसका विवाद का इतिहास क्या रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और विवाद के आखिर कारण क्या है, उस पर भी बात कर लेंगे। और इस विवाद का प्रभाव क्या पड़ता है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। भारत की इसमें भूमिका क्या है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग एक संधि के बारे में सुनते होंगे, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि के बारे में। इस पर हम लोगों ने एक क्लास भी आपकी ली हुई थी, स्पेशल वीडियो फॉर ISPCS में डली हुई है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इसकी संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि की। जैसे आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है? इसमें आप देखिए, ये हमारी मान लीजिए ये है आधार रेखा, ठीक? ऐसी तो नहीं होगी, बिल्कुल मतलब आधार रेखा सभी तटों को मिलाकर एक तरह से खींची जाती है। यहाँ से जैसे ही आप लोग यहाँ से तट रेखा से यानी कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय जल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्षेत्रीय जल कह देते हैं, ठीक है? और या फिर ऐसे आप लोग प्रादेशिक क्षेत्र भी कह देते हैं। यहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं आप लोग? यहाँ आप लोग संपूर्ण अधिकार आपके पास होता है, संसाधनों का दोहन भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ, ठीक है? जो भी संसाधन होते हैं। फिर देखते हैं यहाँ से, देख लीजिए, ये तो 12 हो गई आपकी समुद्री मील, यहाँ से 12 ले लीजिए समुद्री मील, या फिर आप लोग इस रेखा से आधार रेखा से 24 समुद्री मील जाएंगे, तो उसे आप लोग निकटवर्ती क्षेत्र या फिर संलग्न क्षेत्र कह देते हैं। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे भारत को यहाँ साफ सफाई का भी काम कर सकता है भारत, या यहाँ से किसी का व्यापार चल रहा है, कोई नौका जा रही है, तो उस पर टैक्स भी लगा सकता है भारत, ठीक है? फिर यहाँ से आप लोग आधार रेखा से 200 समुद्री मील जाएंगे, तो इसे कहते हैं आप लोग क्या कह देते हैं, इसे आरक्षित आर्थिक क्षेत्र कह देते हैं, या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कह देते हैं। इस पर क्या अधिकार होता है, इस पर अधिकार होता है वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है, नाभिकीय परीक्षण भी कर सकता है, संसाधनों का उपयोग भी भारत कर सकता है। लेकिन इससे जो बाहरी क्षेत्र होता है, उस पर पूरी दुनिया का सभी देशों का बराबर अधिकार होता है, किसी एक के हिस्से में या एकाधिकार नहीं होता है। ये सभी परिभाषाएं सभी देशों पर लगती हैं। फिर आप लोग चाइना से यहाँ से 12 डैश जाइए यानी कि 12 समुद्री मील, या फिर 24 समुद्री मील, या 200 समुद्री मील, यही सब परिभाषा वहाँ भी फिट बैठेगी, ठीक है? और आप लोगों में से कई लोग पूछेंगे कि वो एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर की बराबर होती है, तो याद रखिए 1.609 किलोमीटर होता है एक मील बराबर, ठीक है? अब आप लोग निकालते रहिए क्या रहेगा। और इस समुद्री अगर कानून संधि के बारे में बात करें, तो ये संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि तो ये 1982 में तो तैयार हुई थी, लेकिन 1994 में ये लागू हुई थी, ठीक है? याद रखें, ये भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और सागरों महासागरों पर किसका कितना अधिकार होता है, इसी का निर्धारण करता है।
अब हम बात करते हैं कि दक्षिण चीन सागर, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा दक्षिण चीन सागर को लेकर है। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए ज़रूर आप लोग बड़े अच्छे से याद रख लीजिए इसे। इस तरह के जो भी चर्चा में टॉपिक रहते हैं उनके मतलब हमेशा बने रहते हैं, उनके बारे में हमेशा जानकारी इकट्ठा रखा करिएगा, कब क्या हो जाए, कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में इसकी चर्चा आखिर क्यों चल रही है, ठीक है? देखिए, ये लाइने खींचे बैठा हुआ है चाइना कि ये हमारा पूरा हिस्सा है। ये 1947 की बात है कि 1947 में चाइना ने इस तरह की नाइन डैश लाइन खींच दी और कह दिया कि मेरी ही सीमा है। वो कोई ना तो 12 समुद्री मील को मान रहा है, ना ही 24 समुद्री मील को मान रहा है, और ना ही 200 समुद्री मील को मान रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? याद रहे कि अभी दक्षिण चीन सागर को दुनिया में के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है? आप सभी जान रहे हैं कि देखिए, बीचों बीच में पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? बीचों बीच में देखिए, ये है, समझ रहे हैं आप लोग, दक्षिण चीन सागर। यहाँ से आप समझिए कहीं भी जाएंगे तो बड़ा व्यापार यहाँ से होता है, इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाइना, समझ रहे हैं, यहाँ से व्यापार करता रहता है इन देशों से। और यह व्यापार तथा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। दक्षिण चीन सागर में स्थित विभिन्न देशों के बीच स्थित क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर तनाव हमेशा बना हुआ है। जो भी बाकी इस क्षेत्र में देश हैं, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये भी अपना कब्जा करने की बात करते रहते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते रहते हैं। चीन से लगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और उनके द्वीपों को लेकर भी चीन और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम, फिलीपींस, ताइवान, स्कारवो रॉक रीफ आदि के क्षेत्रों को लेकर विवाद बना हुआ है। लेकिन मूल विवाद की जड़ दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली और पार्सल द्वीप है, क्योंकि यह दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से परिपूर्ण है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए विवाद और बना हुआ है। ये आपके दोनों आइसलैंड द्वीप हो, या फिर देखिए, यह है आपका आइसलैंड द्वीप और यह है स्पेटली द्वीप, ठीक है? इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, द्वीपों का समूह है, समझ रहे हैं? जिस तरह से आप लोग अंडमान निकोबार कह देते हैं ना, ये द्वीप एक द्वीप नहीं है, कोई द्वीपों का समूह है, तो इसी तरह ये भी द्वीपों का समूह ही है। और दक्षिण चीन सागर की अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति की बात करें कि आखिर है कहाँ, तो ऐसे आप लोग देख ही रहे हैं। और ये चाइना, देखिए यहाँ से आप समझिए कि यहाँ से अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात होती तो एक नियम निर्धारण हुआ होता, लेकिन चाइना ने ये लाइनें, 9 लाइनें खींच ली और उसने कहा कि ये मेरा पूरा क्षेत्र है। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ से समझिए, मलेशिया ने, अब कहाँ मलेशिया जाएगा, वियतनाम कहाँ जाएगा, क्योंकि वियतनाम के पास से भी जितना वियतनाम का क्षेत्र, जल क्षेत्र है उसका, उसे भी कब्जा कर बैठा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये हाल है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप सभी जानते हैं यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह भी हैं, आप लोगों ने भी देखा है। इसके पास आसपास इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फार्मोसा, जलडमरू और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श भी करता है, यहाँ आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है? और तो वही इसके दक्षिण पूर्व हिस्से पर ताइवान का की दावेदारी है। ताइवान भी एक तरह से आप कहिए चीन का हिस्सा है, लेकिन आप जानते हैं कि बात चलती रहती है, आज़ादी की बात करता रहता है ताइवान, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन ये क्या करता है, चाइना करता है कि हमारा अभिन्न हिस्सा है वो। दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ आप देख भी रहे हैं, ठीक है? वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, मलेशिया, और ये फिलीपींस भी हो गया, ऊपर ताइवान भी देख रहे हैं आप लोग। और पश्चिम में फिलीपींस हो गया, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका और बेंतुंग द्वीप भी हैं। दक्षिण चीन सागर के अगर हम विवाद की बात करें कि इतिहास कब से चला आ रहा है विवाद, तो आप देखेंगे सन
1947 में, जिस साल हमें आज़ादी मिली थी, मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमिंतांग सरकार ने 11-डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को विस्तृत किया था। समझ रहे हैं आप लोग, 11, ठीक है, 11। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोकिंग की खाड़ी को 11-डैश लाइन से बाहर कर दिया गया था, और परिणाम स्वरूप जो 11-डैश लाइन थी इसे अब आप लोग 9 यानी कि 9-डैश लाइन के नाम से जानते हैं, जो अभी आपको दिखाया भी था मैप में। समझ रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही है आपके, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएं के नाम से जाना गया है। चीन द्वारा वर्ष 1958 के घोषणा पत्र में 9-डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा भी किया है। चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह 9-डैश लाइन के अंतर्गत समाहित हो गए हैं, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण भी बना हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है। तो इन पार्सल द्वीप और स्पायरली द्वीप के बारे में भी याद रखिए। इस प्रकार 9-डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस के स्कारबोरो, सोल द्वीप, इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 1949 से ही चीन 9-डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग यानी कि लगभग आप देखेंगे 80% पर अपने अधिकार का दावा करता रहा है। आप एक बात समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आप लोग सी ये है दक्षिण चीन सागर, यानी कि कहने का मतलब है ये सागर का क्षेत्र है। यहाँ से आप लोग देखिए 12 समुद्री मील जाएंगे, फिर 24 जाएंगे, फिर 200 जाएंगे, तो उतना हिस्सा हो सकता है चाइना का है, ठीक है, उतना अंतर्राष्ट्रीय कानून तो यही कहता है ना। लेकिन आप देखेंगे कि ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है, 200 समुद्री मील। अब देखिए जो मनीला यानी कि फिलीपींस है, ये भी अपना 200 मील तक, समुद्री मील तक जाएगा उसका क्षेत्र। तो क्या किया हुआ है कि आप देखेंगे कि लेकिन वो 200 तो मान ही रहा है, साथ में कह रहा है कि जो 9-डैश लाइन खींची हुई है वो भी हमारा क्षेत्र है। तो आप समझिए कि यानी कि वो पूरा क्षेत्र कहेगा तो फिलीपींस, या फिर आप देखेंगे यहाँ वियतनाम का हो, या आप समझिए कि और भी ये देश हैं आपके, इनका कहाँ जाएगा हिस्सा, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही विवाद बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चीन सागर के अगर कारण की बात करें तो इससे विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है, आप सभी लोग जान रहे हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। मछली अभी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा भंडार है। एक रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विभिन्न भंडार मौजूद हैं। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र महत्वपूर्ण भी तो है, साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाह रहा है। एक समय आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत खासा हुआ करता था, क्योंकि अमेरिका आप समझिए कि यहाँ से बैठ के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ करता था, कि आसानी से एशिया में नजर रख सकता था, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह आप समझिए दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करके चाइना भी इस क्षेत्र में आसानी से अपनी नजर रख सकता है, ठीक है, यही बात हो रही है। अगर इसके विवाद की हम लोग बात करें तो दक्षिण चीन सागर विवाद ने इस विवाद में शामिल क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी किया है, और इन देशों का चीन के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है। दक्षिण चीन सागर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से आप लोगों को एक देखने को मिलेगा। यदि इस क्षेत्र में तनाव इसी प्रकार जारी रहा तो शिपिंग और आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाएंगी। पूर्वी एशिया में अमेरिका की व्यापक सुरक्षा प्रतिबद्धताएं और अमेरिका ने इस क्षेत्र में के कई देशों जैसे फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया के साथ सुरक्षा गठबंधन भी कर रखा है। इसलिए इन देशों का चीन के साथ कोई भी विवाद अमेरिका को सीधे विवाद करेगा, यानी कि अगर इन देशों के साथ अगर चाइना की कोई दुश्मनी होती है तो डायरेक्ट अमेरिका के साथ दुश्मनी मानी जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक बात और बताऊं कि एक समय कहा जाता था कि अमेरिका को अगर छींक आती है तो दुनिया को सर्दी हो जाती है, वो स्थिति अब नहीं बची हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका वो शक्तिशाली अमेरिका नहीं रह गया, समझ रहे हैं आप लोग। अब देख रहे हैं आप लोग कि अमेरिका को चाइना भी काफ़ी टक्कर दे रहा है, समझ रहे हैं।
चीन की ऊर्जा नीति की सुरक्षा की बात करें कि इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन को प्राकृतिक तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व के देशों द्वारा मलक्का जल डमरू के रास्ते से होती है, और अक्सर अमेरिका चीन को चेतावनी देता है कि वह मलक्का डमरू को ब्लॉक कर देगा, जिससे चीन की ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी। यही कारण है कि चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू आर्थिक और भू सामरिक हित भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो कब्जा किए हुए हैं। दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल की भंडार भी हैं और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार भी देखने को मिलेंगे, जिसके 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसलिए आप समझिए कि आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में आपके यहाँ कोई जमीन पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा होगा जहाँ उपजाऊ जमीन होती है वहाँ कब्जे के लिए लड़ाइयाँ कितनी होती रहती हैं। गांव की बात कर रहा हूँ मैं, और वहीं कह दिया जाए कि जाइए आप लोग पहाड़ पर कब्जा कर लीजिए, आपको 2 एकड़ की जगह मैं 4 एकड़ दे देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि उसका कोई नहीं जानता है। तो आप समझिए कि जमीन वही है, लेकिन जगह बदलने पर उसकी कीमत बदलती रहती है। ठीक है, यह क्षेत्र ऐसा है जहाँ से हर वर्ष $5 ट्रिलियन मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है, क्योंकि बीचों बीच में है, और यहाँ स्थित महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता भी आती है। और यह जानना भी आपको जरूरी है कि सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में मछलियों की हजारों नस्लें भी पाई जाती हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जान रहे हैं कि मछलियाँ कितनी, आप लोग देख रहे हैं कि कितना जरूरी हो गया है, समझ रहे हैं आप लोग। कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है, दुनिया भर की मछलियों के कारोबार का करीब 55%, यानी कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसमें से 55% हिस्सा या तो दक्षिण चीन सागर से गुजरता है या फिर वहाँ पाया जाता है, इसलिए चीन इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखता है। आप समझ सकते हैं कि आप भी यही कब्जे की बात करते अगर आप उस समय होते, चाइना की जगह पर होते, तो आप भी कहते कि हमने नौ जो लाइन डेस्क खींची हुई है वही हमारी है, समझ रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लड़ भी सकता हूँ। चीन ने दक्षिण चीन सागर की द्वीपों में कई प्रकार के अवैध कार्य भी किए हुए हैं और नए नए द्वीपों की बात भी कर रहा है बनाने की। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए चीन ने यहाँ कृत्रिम द्वीप भी बनाए हैं और संसाधन अन्वेषण के लिए सर्वे भी आयोजित कर रहा है। इसमें अगर भारत की भूमिका की बात करें तो भारत स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जो हमने बताया ना 1982 की, उसके सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है। जो संधि है उसे समर्थन करता है भारत, और कहता है कि संधि के हिसाब से सबको चलना चाहिए, लेकिन चाइना इस संधि को नहीं मानता है, एक बात और याद रखिए। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण चीन सागर में विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए। हम लोग शांति प्रिय देश हैं। शांति प्रिय देश क्यों है? क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं महात्मा बौद्ध भी हुए हैं, महावीर स्वामी भी हुए हैं, तभी से हम लोग बड़े शांति प्रिय देश हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो ना चाहती हुई भी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी और क्षेत्र की शांति व स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा। और एक बात आप लोग समझिए, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मुझे हम लोगों को क्या लेना देना, तो जब हमारे पड़ोसी में, आप समझिए कि हमारे पड़ोस में किसी के घर में आग लगती है तो हमारा भी घर जलने की एक तरह से आशंका होती है, हमारे लिए भी खतरा होता है, तो हम चाहते हैं कि शांति बना रखी जाए। अब सोचिए आप लोग कि परमाणु बम की वर्षा बारी होने लगे, चलने लगे, तो क्या हमारे यहाँ उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि शांति से हल निकले। ठीक है, भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साजों सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस प्रकार भारत पूर्वी एशिया, खासतौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों की महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है, और दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिए पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो वही बात कर रहा हूँ। नाइन डैश लाइन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के निर्णय को ठुकरा कर चीन ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं। ऐसे में भारत को इस क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है, और अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता भी कर सकता है, और तथा इस प्रकार इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। और यही कारण है
कि आज आप देख रहे हैं ना, जो अमेरिका का झुका हमारी तरफ, वो यही अमेरिका बहुत मतलबी है। एक समय आप देखते थे कि चाइना और पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है, आज हमसे दोस्ती हो रही है उसकी। तो इसी एक तरह से मतलब निकालने के लिए वो हमसे दोस्ती कर रहा है, ठीक है। तो यही कहानी है आपकी दक्षिण चीन सागर की, और ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, तो मुझे लगता है इस पर बात करना जरूरी भी हो जाता है। इन सभी पॉइंटों के बारे में आप लोग याद रखिए, ठीक है, इतना ही है। एक बार और आप देख सकते हैं यहाँ दक्षिण चीन सागर ये लगा हुआ है, यहीं आप देखेंगे वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम हो गया, यहीं आपका हांगकांग, ताइवान, ठीक है, फिलीपींस, बुनोई, मलेशिया, सिंगापुर, इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे आप, ये दो द्वीप जो चर्चा में रहते हैं काफ़ी, पार्सल द्वीप और स्पेटली द्वीप, यही हैं दोनों, ठीक है। और ये दोनों पर विवाद चल रहा है, बड़े चर्चा में बने रहते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे।